हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डॉन एजुकेशन हब। तो आज का अपना टॉपिक है कि मोबाइल से सरल ब्याज कैसे निकाला जाता है। ब्याज दो टाइप का होता है, एक सरल ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। तो कि अपन जैसे किसी से पैसे लेते हैं या देते हैं तो उसके ब्याज लगाते हैं, तो कैसे निकाला जाए वो भी मोबाइल से, बहुत ही मतलब कि सिंपल तरीके से। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप अपने, अगर आपके पास मोबाइल है तो उसका कैलकुलेटर ओपन करना है, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो उसका कैलकुलेटर चालू करना है। तो ये अपन ने कर लिया कैलकुलेटर चालू। तो मान लो कि आपने किसी से 10,000 रुपये लिए या दिए, तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको मूलधन लिखना है। यह है 10,000 रुपये लिख दिए, इसको अपन इधर सेट कर देते हैं, ये 10,000 रुपये लिख दिए हैं। फिर आपको किस मिति से लिए हो, मतलब कि किस दर से लिए हो, उससे मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना, कि मान लो आपने 3.5 रुपये सैकड़ा के हिसाब से लिया है या दिया है, तो अपन को 3.5 रुपये लिख देने हैं। उसके बाद में आप, मतलब कि आपने कितने महीने का निकालना है, कितने साल का निकालना है, तो मान लो अपन को 2 महीने का निकालना है, तो फिर उससे मल्टीप्लाई कर दो आपको 2 से, फिर इसमें आप भाग दे दो 100 का, तो आपका यहाँ पे आया है 2 महीने का 700 रुपये। अगर आपको ज़्यादा महीने का निकालना है तो आप यहाँ पे जो अपन ने टाइम लिखा है उसको, मान लो कि आपको 7 महीने का निकालना है, तो यहाँ पे 7 लिख दो और फिर भाग दे दो 100 का, तो आपका आ जाएगा 2450 रुपये, जो कि 10,000 का 3.5 रुपये सैकड़ा के हिसाब से 7 महीने का ब्याज है। इस प्रकार आप बड़ी आसानी से ये ब्याज निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर देना।